हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर ट्रैवल के बारे में। तो जी हाँ, कश्मीर ट्रैवल की मैंने अपनी पूरी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे निकाल दी है। उसकी 6 वीडियोस आ चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी तो पहले जाके कश्मीर सीरीज़ देखिए और उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं लगाते और करते हैं आपके लिए एक अच्छा सा कश्मीर ट्रैवल का प्लान कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किन किन सावधानियों का आपको ख्याल रखना है। कश्मीर ट्रैवल में थोड़ा सा गड़बड़ झाला है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले है कि आप जाएँ कैसे। तो कश्मीर जाने के 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला और बेस्ट जो है वो फ्लाइट है। दूसरा, आप बस से जा सकते हैं। यहाँ से जम्मू तक आपको बस लेनी पड़ेगी और वहाँ से आगे आप या तो बस से जा सकते हैं या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है ट्रेन। हम लोग गए थे दिल्ली से, तो दिल्ली से मैं आपको बता रहा हूँ, आप यदि कहीं और से हैं तो वहाँ से आप ट्रेन बुक कर सकते हैं और ट्रेन से आप जम्मू तक जा सकते हैं और उसके बाद फिर आप आगे टैक्सी से या प्राइवेट बस से श्रीनगर तक जा सकते हैं। और दोस्तों, फ्लाइट से जो व्यू आता है ना, ओए वो इतना अमेजिंग होता है कि वो बस से या वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप फ्लाइट से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी जाएंगे। तो अराउंड 8:30-9 बजे हम श्रीनगर पहुँच गए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहीं से कैब बुक कर दी थी। उसका जो कॉस्ट था वो था 2000 रुपीज़ पर डे का। तो हम वहाँ पे 6 दिन थे तो उसका टोटल कॉस्ट हमारा आया था 12,000 रुपये। और आप चाहें तो इनोवा भी ले सकते हैं, वो 2000 या 2200 मैक्सिमम उसका जो रेट है। एक्चुअल में 1800 से 2200 है। वहाँ पे लोग आपसे 3000 भी मांगेंगे, कोई 2700 भी बताएगा, लेकिन आपको प्रॉपर बार्गेन करना है और आपको इनोवा का भी 2000 ही बोलना है, क्योंकि ETOS कोई हमको 1800 में भी बता रहा था, लेकिन हमने पहले ही बुक कर दी थी तो हमने सोचा एडवांस दे दिया था तो फिर 200 रुपये के लिए क्या झगड़ा करना है एंड ऑल। तो फिर हमने 2000 रुपये में ETOS ली थी क्योंकि हम 3 लोग थे। तो हमने क्या किया, हम पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हम सीधे गुलमर्ग निकल गए। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं बेस्ट कि आप श्रीनगर में ही उस दिन रुक जाइए, श्रीनगर का लोकल एक्सप्लोर कीजिए और हाउस बोट आप ले सकते हैं। हाउस बोट एक अच्छा ऑप्शन है। हाउस बोट का जो कॉस्ट है वो 2 लोगों के लिए 1200 रुपये से 1500 रुपये, 1800 रुपये और एंड सो ऑन है, लेकिन 1500 रुपये में आपको बहुत बेस्ट हाउस बोट मिल जाएगी। हम जिस हाउस बोट में रुके थे उसने हमसे 1800 रुपये चार्ज किया था, लेकिन हमारे बीच में एक एजेंट आ गया था तो हमें वो पता नहीं चला। वो हमें बाद में रियलाइज हुआ, यदि आपके बीच में एजेंट नहीं आता है तो वही हमको 1200 रुपये में मिल जाती। तो 600 से 700 रुपये एजेंट हमारे खा गया। तो आप डायरेक्ट जाके या इंटरनेट से हाउस बोट बुक कर सकते हैं। और यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हाउस बोट का नंबर भी दे दूंगा। हाउस बोट में 1200 से 1500 रुपये जो मैं बता रहा हूँ उसमें खाना इंक्लूड है दोनों लोगों का, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर। आपको हीटिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि शिकारा के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ, एक्चुअली हाउस बोट जो है वो डल लेक के बिल्कुल बीचों बीच है, तो आपको वहाँ वॉक करके या वैसे नहीं जा सकते, आप शिकारा से ही जा सकते हैं। लेकिन जो हाउस बोट वाले होते हैं वो हाउस बोट तक छोड़ने के लिए और आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यदि आपको डल लेक में घूमना है तो उसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। जैसे आप 2 या 3 या 4 फ्रेंड हैं तो वो सबको 500 रुपये में डल लेक में घुमा देते हैं। बट यदि आप डायरेक्ट बुक करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, तो कोई वहाँ पे आपको 2500 रुपये बताएगा, कोई 3000 रुपये बताएगा और गवर्नमेंट का जो रेट है वहाँ पे वो 500 से 600 रुपये, मैक्सिमम आपको 700 रुपये देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि वो 2500 रुपये बताएंगे और आप सोचो कि कितना बार्गेन करें कितना बार्गेन करें, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 500 से 600-700 रुपये बस 2 या 3 लोगों के लिए, दैट्स इट, इतना सिर्फ। उसमें आपको वो 2 घंटे डल लेक में इधर उधर घुमाएंगे और वापस आपकी हाउस बोट में छोड़ देंगे। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप हाउस बोट से चेकआउट कीजिए और सीधे निकल जाइए गुलमर्ग। अब दोस्तों, जो हमारा गुलमर्ग वाला होटल था ना, वो हमने यहीं ऑनलाइन गूगल से सर्च करके बुक किया था और वो बहुत अच्छा होटल था, उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी थी, रूम वगैरह सारे अच्छे थे। तो दोस्तों, जो हमारा गुलमर्ग का होटल था उसका नाम था होटल ग्रीन पार्क और वो अंदर से बहुत अच्छा था और वहाँ से जो बाहर का व्यू था ना, दैट वाज अमेजिंग। नेक्स्ट डे आप गुलमर्ग में फिर आप आफ्टरनून में पहुँचेंगे तो शाम को वहीं घूमिए। नेक्स्ट डे आप गंडोला राइड पर निकल जाइए। गुलमर्ग में आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि आपको गाइड नहीं देना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गाइड का वहाँ पे कोई काम नहीं है। गाइड वहाँ पे आपको बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए टिकट दे देंगे जल्दी, लेकिन नहीं, 15 से 20 मिनट का फ़र्क आता है। और जो गंडोला का काउंटर है वो गवर्नमेंट का है, तो उसका 740 रुपये फिक्स प्राइस है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको टिकट मिलेगी, दैट इज़ गवर्नमेंट प्राइस। तो वो आपको बोलेगा ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। गाइड आपको सिर्फ कटवाएगा, वो आपको सिलेज वाले के पास ले जाएगा, वो आपको जब आप फेज़ वन पे जाते हैं वो गंडोला में आपके साथ जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे खाली मैदान है। जो लोग मनाली के सोलांग वैली जा चुके हैं, जैसे वहाँ पे एकदम ग्राउंड है, तो फेज़ वन में भी सीधा ग्राउंड है और वहाँ गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने गाइड दिया था क्योंकि हमको ड्रोन उड़ाना था और उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ड्रोन की परमिशन दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमको ड्रोन का थोड़ा रिस्क था क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज रहती हैं, तो उसने हमारे लिए ड्रोन की परमिशन ली और हमने उसको सिर्फ इसलिए किया था और वो हमारे लिए यूजफुल था। वहाँ पे एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास स्लेज वाले आएंगे और स्कीइंग वाले आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे कि आप ये लो, ये लो, ये लो, आपको जो लेना है लीजिए, लेकिन बार्गेन अच्छे से कीजिए। स्लेज का वहाँ पे वही हाल है जैसे कि डल लेक में शिकारा का, वो आपको 2500, 3000, 4000 रुपये बताएगा और वो ऐसे बच्चों की थोड़ी सी झूलने वाली होती है, वो आपको खींच के उस पर ले जाएगा। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका बिजनेस ख़राब करना चाह रहा हूँ, बट वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज करते हैं, तो आपको बाद में लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली क्या है, श्रीनगर कश्मीर का जो ट्रैवल है, टूरिज्म है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो 30-40-45-50 हज़ार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप 15 हज़ार में मस्त से करके आ सकते हो। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो फंसते हो ना वो यहीं पे फंसते हो कि आपने हाउस बोट बुक की, वहाँ पे आपको एजेंट मिल गया, वो खा गया 400-500 रुपये। आपने शिकारा बुक की तो वो आपको 3000 रुपये बता रहा है, जबकि उसका 500 रुपये रेट है, तो 2500 रुपये एक्स्ट्रा बता रहा है। आप गुलमर्ग में गए, आपको सिलेज वाला मिल गया। आपको गुलमर्ग में जाके और हर जगह पूरे कश्मीर में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको पहले ही रेट फिक्स कर लेना है। वो आपसे क्या बोलेंगे, अरे सर जो मन करे दे देना, अरे सर जो मन करे दे देना। आपको लगेगा ठीक है, सिलेज 500 रुपये ले लेगा, 600-700 ले लेगा, बाद में वो एक साथ मुंह फाड़ेगा 3000-4000, अरे आप हो जाओ वो ऐसा कैसे हो गया, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। इसलिए पहले ही फिक्स कर लो कि भाई मैं 500 रुपये दूंगा, हाँ या ना, सिंपल बोल। आपको बार्गेन करना सेम यदि आप दिल्ली से हैं तो पालिका बाज़ार की तरह, पालिका बाज़ार में 300 के 3000 मांगते हैं और 200 के 2000, तो सीधा बोलो 200 रुपये, हाँ या ना, और वो हाँ कर देगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और उनको पता है। सिर्फ गंडोला का फिक्स प्राइस है, बाकी सब में आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके पास टाइम है तो आप पहलगाम जा सकते हैं। वहाँ पे रास्ते में कई सारी जगह पड़ती हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एप्पल वैली, वो आपको ड्राइवर बोलेगा कि मैं एप्पल वैली दिखाऊंगा, तो एप्पल वैली में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, एप्पल ट्रीज़ हैं। यदि मौसम में आप जाएंगे एप्पल लगने के, मैं तो होपफुली आपको एप्पल दिख जाएंगे, लेकिन हमें तो वो सूखी और खाली दिखी थी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा सीज़न क्या है, तो मेरे हिसाब से तो वो स्नोफॉल वाला ही है, क्योंकि जब वहाँ स्नो नहीं होती तो वो नॉर्मल होता है। आप मनाली जाओ या वहाँ जाओ तो मुझे लगभग बराबर जैसा लगा नॉर्मल के, यदि मैं फोटोज़ या वीडियोज़ देखता हूँ। और यदि आप विंटर में जाएंगे तो वहाँ का एकदम अलग एक्सपीरियंस है वो, जो कि बहुत अच्छा है। नवंबर से स्टार्ट करके आप अप्रैल तक जा सकते हैं, कभी भी आपको स्नो मिलेगी और स्नोफॉल भी मिल सकता है, मैक्सिमम टाइम पे होता ही रहता है गुलमर्ग में। उसके बाद आप पहलगाम आएंगे तो पहलगाम में होटल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हमने एक होटल बुक किया था जो हमें अच्छा नहीं लगा, बाद में फिर हमने चेंज कर दिया था। वहाँ जाके हमने उनको 1000 रुपये एडवांस दिया था, उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि वो हमको होटल वो जो 1000 रुपये वो वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, वो हमारा मारा गया। कोई बात नहीं, एडवांस गया तो मारा जाता है, बट हमें एक होप थी, उन्होंने बोला था कि हम आपको 1000 रुपये आपके वापस कर देंगे, होटल पसंद नहीं आया तो। मेन प्रॉब्लम उस होटल में ये थी कि हीटिंग सिस्टम नहीं था, रूम बहुत छोटे थे और हम 3 लोग थे, उसमें अच्छे से एकोमोडेट नहीं हो पाते, तो वो एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। उसके बाद जो हमने दूसरा होटल किया, वो होटल अच्छा था, उसका नाम था होटल पाइन व्यू रिसोर्ट पहलगाम में। यहाँ पे भी हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई कि हमको सबने बोला कि यहाँ से आपको हॉर्स करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे पॉइंट्स दिखाएंगे, ये पॉइंट्स वो पॉइंट। हमको उन्होंने बोला कि 4000 रुपये घोड़े के लगेंगे। हमने पूछा कितना किलोमीटर है, तो उन्होंने बोला 18। हमने बोला तो बहुत ज़्यादा, 4000 रुपये हॉर्स राइडिंग के सबके लिए ज़्यादा होगा। तो हमारा जो ड्राइवर था उसने हमको बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ाई कि सर हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, आप आइए, आप मेरे भाई हो, आप ये हो, आप ये समझो कि अपने घर आ रहे हो, और एकदम ऐसे ट्रस्ट बना दिया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उसने हमको जो कॉस्ट दिया वो 2500 रुपये था हॉर्स का पर हेड, 3 लोगों का 7500 रुपये,
और जब हम गए ना तो वो 18 किलोमीटर नहीं था, सिर्फ 4 किलोमीटर था। जो हॉर्स राइडिंग हुई वो सिर्फ 4 किलोमीटर की हुई थी, और उन्होंने जो पॉइंट बताए रास्ते में वो सब फेक काइंड ऑफ थे, कि सारे यहाँ वाटरफॉल होता था लेकिन अभी है नहीं, जबकि वहाँ पर कोई वाटरफॉल ही नहीं था। उन्होंने हमको एक जगह बताई कि यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, वहाँ बजरंगी भाईजान की कोई शूटिंग नहीं हुई थी। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन कि ये 18 किलोमीटर है, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ वाटरफॉल है, तीसरा एक उन्होंने कहानी बना रखी थी कि यहाँ पे एक राजा हरिश्चंद्र है, उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए थे, दैट वाज नथिंग, बस एक सिंपल रास्ते में जाते जाते एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, वहाँ स्नो पड़ी हुई थी, वहाँ से ऐसे ही दिखा दिया कि यहाँ से एक तीर से दो निशाने करे थे, मतलब बना दिया, कट गया अपना वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो बजरंगी भाईजान वाला पॉइंट था, मैंने अपने व्लॉग में बोला कि यहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जब मैं वहाँ से वापस आ गया, मैंने वीडियो एडिट करके डाली, तो कश्मीर के लोग ही कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई बजरंगी भाईजान की शूटिंग नहीं हुई थी, एंड वी फील सॉरी कि आपको उल्लू बना दिया। मैंने कहा ओके भाई, अब तो बन गया और अब व्लॉग भी डल गया, अब नो चेंज कैन बी डन। तो इसके बाद सीन क्या हुआ अगला, जब हम ऊपर पहुँचे तो वो डूनो वैली थी, डूनो वैली, कोई डूनो वैली कहता है, कोई डूना वैली कहता है, कोई डून वैली कहता है, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि ये कश्मीर वैली है, यही डून वैली है, यही एक और डेवियन है। मतलब उन्होंने क्या किया, तीन चार पॉइंट थे जहाँ पे वो नहीं हमें ले जाना चाह रहे थे, और उन्होंने एक ही जगह के तीन पॉइंट बना के हमारा पोपट पूरा का पूरा बना दिया, एंड हमें पता ही नहीं था, हमें श्योर नहीं था, तो हमारा कट गया। लेकिन बाद में हमें पता चला वहीं के लोकल दूसरे बंदे से कि वहाँ का जो एक्चुअल कॉस्ट था वो सिर्फ 500 रुपीज़ था। मेरा एक फ्रेंड मेरे 3 दिन बाद गया था, उसने 600 रुपये दिए थे एग्जैक्ट सेम जगह के जहाँ पर मैं गया था। तो 600 और 2500, और जबकि उसने हमको ट्रस्ट दिलवा दिया कि आप मेरे भाई हो, आप घर आ रहे हो। तो देखो कश्मीर एकदम सेफ है, 100% सेफ है, बट आपको जो अपने आप को बचाना है वो वहाँ के लोगों से, जो फ्रॉडस्टर हैं, जो टूरिस्ट ट्रैवल के नाम पे गुमराह करते हैं ट्रैवलर्स को, उनसे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या अवॉइड करना है, गुलमर्ग में आपको गाइड नहीं देना है, डल लेक में आपको केसर नहीं देनी है, वो सब नकली होती है, वहाँ पर गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं, वो बोलेंगे आपको कि ये वॉलनट वुड के हैं, जबकि वो अंबाला से बन के जाती है लोकल लकड़ी। तो आपको वो स्टैंड वगैरह होते हैं कि आप इसमें सामान रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, वो होता है, वो सब नकली है। उसके बाद आपको पहलगाम में घोड़े वाले से बचना है, आपको सिर्फ 300-400-500 रुपये देना, दैट्स इट। एक और चीज़, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कॉस्ट आपके बजट में रहे, और जिसका कम बजट है, जिसका 10 या 12 या 15 हज़ार बजट है सिर्फ, वो भी कश्मीर ट्रैवल करने जा सके, घबराए नहीं। यदि आप 3 लोग से कम हैं तो आप लोकल बस भी कर सकते हैं, जो 300-400 रुपये में श्रीनगर से आपको गुलमर्ग पहुंचा देती है, और गुलमर्ग से पहलगाम के लिए भी बस जाती है, बीच में एक स्टॉपेज होता है। यदि आप 4 लोग हैं तो आप टैक्सी कीजिए, आपको सेम कॉस्ट पड़ेगी एंड आप कंफर्टेबली जाएंगे। ये मेरा एक आपसे सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। बस आप 2 नाइट वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, और वहाँ से वो आपको एक दिन अरू वैली एंड बेताब वैली लेके जाते हैं, एक दिन आपको लोकल में पहलगाम घुमाते हैं, तो 3 नाइट 3 डेज का पहलगाम में आपका हो गया, क्योंकि 3rd डे तो आप वापस चल के श्रीनगर आ जाते हैं, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आइए और अपनी फ़्लाइट पकड़िए और वापस आ जाइए। यदि आप बस से गए तो आप बस पकड़िए और वापस आ जाइए। तो यही सारे पॉइंट्स थे मेरी तरफ से, आपको बस इन इन चीज़ों से बच सकते हो। हमारा लगभग शायद 17,000 रुपये के आसपास समथिंग लगा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे लगा था ब्रेक डाउन करके। हमारा मेन 5,500 रुपये फ़्लाइट में लगा था, और कुछ एक हम 2 लोग ही सिर्फ रुके थे हाउस बोट में, वो 1,800 रुपये था, और हमने 200 रुपये टिप वगैरह दिया था। टिप से याद आया, वहाँ पे आपको 20 लोग मिलेंगे, 20 आपसे बोलेंगे कि सर टिप दीजिए टिप दीजिए, मेक श्योर कि आप 50 रुपये से ज़्यादा किसी को टिप ना दें। क्यों? क्योंकि आपको 20 लोग मिलेंगे टोटल, जब से आप स्टार्ट करेंगे, कार वाला, हर एक होटल वाला, जो आपके लिए फूड लाएगा वो, हर एक गाइड, एवरीवन विल आस्क फॉर द टिप। अब यदि आप बहुत रईस हैं, करोड़पति हैं, तो आप 500-500 रुपये दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आप समझदार हैं कि आपको कितना देना है, आपको बजट बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, आप नहीं है तो ओके ओके। यदि मतलब मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो बहुत कम बजट वाला बंदा है, जिसके पास बहुत पैसा कम है और वो कश्मीर घूमना चाहता है, तो इन इन चीज़ों पे ध्यान देके, यहाँ यहाँ बच के जो मैं बता रहा हूँ, वो कश्मीर अच्छे से घूम सकता है।